नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल YouTube Tips 2.0M में। दोस्तों, काफी सारे नए क्रिएटर के मन में एक सवाल आता है कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, हमने एडसेंस अकाउंट भी बना लिया है, लेकिन अब एडसेंस अकाउंट को बैंक में कैसे लिंक करें और उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो ये सारा मन में आपके सवाल आता है, तो इस वीडियो में यही आपके जो मन का सवाल है वो क्लियर करूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है और आपने गूगल एडसेंस बना लिया है तो आपको गूगल एडसेंस को बैंक में कैसे लिंक करना है। तो ये सारा प्रोसीजर बताऊंगा आपको, इसलिए वीडियो पर एंड तक बने रहिए। और अभी तक कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया यार, लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे आने वाली इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट में आप लोगों तक के डायरेक्टली डायरेक्ट पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि YouTube का क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। चैनल मोनेटाइज होने के बाद में आपको एक गूगल एडसेंस का ऑप्शन आ जाता है जिसपे आप अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बना लेते हो, जिससे कि YouTube जो है वो पेमेंट आपको गूगल एडसेंस से आपके बैंक में ट्रांसफर करता है। वो एक बीच का जरिया होता है गूगल एडसेंस। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि गूगल एडसेंस को आपको बैंक में कैसे लिंक करना है। देखिए दोस्तों, जब आप अपने गूगल एडसेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हो, यानी कि आप ड्राइविंग लाइसेंस से अपने गूगल एडसेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसके बाद में आपको एड्रेस वेरिफिकेशन कराना होता है। उससे पहले आपको अपने नाम करेक्शन सही करना होता है। आपने अगर नाम सही लिखा है तो, अगर आपने एड्रेस सही लिखा है तो आपके एड्रेस पर यूट्यूब 6 अंक का जो डिजिट का जो पिन है वो आपको डायरेक्ट आप जिस एड्रेस पर रह रहे हो, जहाँ पे आपने एड्रेस डाला है, वहां पर आपको बाय पोस्ट भेजता है। और वहां आपको पिन मिलने के बाद में अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में अपने एड्रेस को वेरिफिकेशन करना होता है। और जब आप वेरिफिकेशन करा लेते हो तो आपको उसके बाद आपको बताया जाता है कि आपको अब अपने गूगल एडसेंस को अपने बैंक में लिंक करना होता है। अब लिंक करने के लिए आपको किस किस चीजों की जरूरत होती है। देखिए दोस्तों, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आपका गूगल एडसेंस वहां पे कंप्लीट होता है, तब आपको एक ऑप्शन मिलता है, तब आपको एक मेल आता है कि अब आप अपने गूगल एडसेंस को अपने बैंक से लिंक करा लीजिए, यानी कि एक्शन का एक मेल आता है। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली आपको अगर आपका नेशनलाइज बैंक है यानी कि गवर्नमेंट बैंक है तो आपको स्विफ्ट कोड मिल जाता है और IFSC कोड भी वहां से मिल जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब आपने अपने गूगल एडसेंस को 6 डिजिट के पिन से एड्रेस वेरीफाई करा लिया है, उसके बाद में आपको एक मेल आएगा और वहां से आपको बैंक लिंक करने को कहा जाएगा। तो आपको सबसे पहले बैंक में जाना है और नेशनलाइज बैंक में आपको सबसे पहले अपना अकाउंट खुला लेना है। अगर आपने अकाउंट नहीं खोल रखा है तो आपको अकाउंट खुला लेना है जो भी नेशनलाइज बैंक है, और सबसे पहले आपको वहां पूछना है कि यहां पर स्विफ्ट कोड की सुविधा है या नहीं है। अगर बैंक वाले बोलते हैं कि हमारे स्विफ्ट कोड की सुविधा नहीं है तो आपको उस बैंक में अकाउंट नहीं खुलाना है। और अगर आपको वो बैंक बोलते कि हाँ हमारे बैंक में स्विफ्ट कोड का सुविधा है, आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा, आपको IFSC कोड भी मिल जाएगा, आपको उस बैंक में अकाउंट खुला लेना है। यदि आपका ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ है तो आपको स्विफ्ट कोड जाके लेना है और IFSC कोड लेना है। तो यहाँ तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, तो इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पर आपको फिलअप करना है कुछ जनरल बेनिफिशियरी, आपको यहाँ पे नहीं भरना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आपका अकाउंट होल्डर नेम, यानी आपने जिस नाम से अकाउंट खुलवाया है आपको पूरा नाम डालना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिया जाएगा ऑप्शन स्विफ्ट कोड, जो कि आप बैंक से लाओगे, तो आपको वहाँ पे स्विफ्ट कोड डाल देना है। उसके बाद में आपको थर्ड ऑप्शन पूछेगा IFSC कोड, तो आपको ये भी कोड डाल देना है। उसके बाद में तो दोस्तों, यहाँ पर आपको फर्स्ट में भी आपका अकाउंट नंबर डालना है जो कि आपके पासबुक में दिया गया है, आपको सेकेंड टाइम भी अकाउंट नंबर डालना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है सेव का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर सेव पर आपको क्लिक कर देना है, बस आपको इतना ही काम करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा, यानी कि आपका जो गूगल अकाउंट है, गूगल एडसेंस अकाउंट है, वो आपके बैंक से लिंक हो जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो भी है जो स्विफ्ट कोड देता है तो खास करके नेशनलाइज बैंक ही देता है, तो आप जहाँ तक के हो सके गवर्नमेंट बैंक यानी कि नेशनलाइज बैंक में ही अपना अकाउंट खुलाए, जिससे आपको स्विफ्ट कोड की सुविधा आसानी से मिल जाती है। और दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि हमें गूगल एडसेंस अकाउंट से बैंक को लिंक करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे हमें ये फिलअप करना पड़ता है। और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आई होप कि आपकी जो दिमाग की शंका है वो निकल गई कि हमें गूगल एडसेंस से बैंक को लिंक कैसे कराया जाए।
और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल कंटेंट आपको डायरेक्टली डायरेक्ट मिल जाए। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।